बोलो। तुम्हें जितना बोले उतना करो, ज्यादा अपना दिमाग ना लगाओ इडियट। ऐसे क्या देख रही हो? खफा हो? नहीं, मैंने क्या खफा होना तुमसे? मैंने महंगा जूता खरीदा, पैसे भी खुद दिए, तुम्हें बुरा लगा ना? बताए तो पूछ क्यों रही हो? अच्छा, आइंदा नहीं करूंगी। जो चीज तुम पसंद करोगे ना, वही खरीदूंगी, ठीक है? एक और बात पूछूं? वो पूछो। तुम्हें ऐसे क्यों देख रही थी? कौन देख रही थी मेरी तरफ? वही तुम्हारी पड़ोसन, शायद सदफ नाम है ना उसका। वो तुम्हें ऐसे क्यों देख रही थी? मुझे क्या पता कि क्यों देख रही थी ऐसे मुझे? वो तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकवा कर रही हो, ऐसे जैसे मैंने तुम्हें उससे छीन लिया हो। अरे मुझे नहीं पता, ऐसी देख रही होगी। तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मगर इतना तो मैं समझ गई हूं, हुई बात तो जरूर। तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं करूं, ठीक है, नहीं करती। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ऐसा कुछ वाकई में हुआ ना, तो मुझे बहुत दुख होगा, याद रखना। अरे भाड़ में गए तुम लोग और तुम्हारी इज्जत। मैं तो पूरे मोहल्ले को चीख चीख कर बताऊंगी कि तुम लोगों ने हमारे साथ किया है। ये कौन है? पता नहीं। ये बहन, हुआ क्या है? अंदर चलो, अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं। मैं आराम से नहीं बैठूंगी। तुम लोगों ने जो कुछ मेरी बच्ची के साथ किया है, मैं पूरे मोहल्ले को बताऊंगी। चुप कर जाओ, तमाशा लग जाएगा। तमाशा? तमाशा तो अभी मैं लगाऊंगी। तो तुझे हुआ क्या है? मुझसे क्या पूछ रही हो? ये अपने बेटे से पूछो, जिसकी वजह से मेरी बच्ची ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? राशिद, राशिद एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो? राशिद, राशिद रुक जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो घर चलो। रोकने की कोशिश मत करें, मैं सदफ से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि घर वापस चलो तो चलो। सदफ से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। राशिद, 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 सदफ, सदफ, क्या हुआ तुम्हें? खाला बता रही थी तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की। बताओ, तुमसे बात करो, जवाब दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये क्या हुआ? हाँ? छोड़ो मेरे हाथ को। नस काटने की कोशिश की है इसने अपनी। वो तो शुक्र है खुदा का कट ज्यादा गहरा नहीं लगा और खून ज्यादा नहीं बहा, वरना इस वक्त ये अस्पताल में होती और हम इसकी जिंदगी की दुआएं मांग रहे होते। बस मिल गया जवाब, अब जाओ यहाँ से। क्या पागलपन है? क्यों किया तुमने ये? जवाब दो मुझे। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैंने क्यों किया है? सदफ, बस बस
राशिद मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहां से प्लीज। राशिद चलो घर चलो, निम्रा क्या सोच रही होगी। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, जाओ अपनी बीवी के पास जाओ। क्या हो रहा है, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या था ये सब, कौन है ये सदफ, और राशिद इस तरह से तड़प के क्यों गया है उसके पीछे? खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की है उसने, और उसका रिश्ता क्या है राशिद के साथ? कोई रिश्ता नहीं है, बस वो हमारे मोहल्ले में रहती है, और कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई ऐसी बात नहीं, और ऐसी कोई बात नहीं है तो यूं भागा भागा क्यों गया है तुम्हारा भाई उसके पीछे? सिर्फ मोहल्लेदार के लिए तो कोई ऐसे नहीं जाता। राशिद भाई की जब से शादी हुई है ना, भाई से बात भी नहीं करता है, बस ये तो सदफ है कि हमारे घर आ जाती है। जब से शादी हुई है मतलब क्यों लगाती है वो इस घर के चक्कर? कोई तो बात हो, ऐसे कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता। आप तो बाल की खाली उतार रही हैं। कहा ना भाई का कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। जब से भाई की शादी आपसे हुई है ना, भाई उससे दोस्ती खत्म कर चुका है और उसे बात भी नहीं करता है। इतना तो मुझे पता चल गया है कि कुछ ना कुछ तो है हम दोनों के दरमियान। तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो ना बताओ, पता तो मैं करके रहूं। तुम इसके लिए जान दे रही थी ना, जिसने तुम्हें धोखा दिया। अरे ये तो नफरत के काबिल भी नहीं है, जिसके लिए तुम जान दे रही थी। बहुत हो गया, जाए यहां से। चले जाएंगे, पहले मैं सदफ को हॉस्पिटल लेके जाऊं। सदफ का बाप अभी मरा नहीं है, मैं खुद इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। लेकिन अगर तुम नहीं गए ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़े। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी नहीं दे रहा, खबरदार कर रहा हूं तुम्हें। अभी जी मेरी जुड़े में हाथ देखिए, हम पहले ही बहुत दुखी हैं, हमारे सपनों पे नमक मत छिड़के। अपने बच्चे को यहां से ले जा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके साथ कुछ गलत कर बैठूं। हौसला करें हाजी साहब, तहम्मुल से काम लें। हमारी बेटी मरते मरते बची है और आप हमें ही तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दे रही हैं? बजाय इसके कि आप लोग शर्मिंदा होते, हमसे माफी मांगते, आप हमें ही हिदायतें दिए चली जा रही हैं। कोई शर्म या नाम की चीज है आप में? बस कर दें खाला, खामोश खड़े इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी अम्मी की बेइज्जती करती जाएंगी। हमारे मुंह में भी जबान है, और अगर वो चलने लग गई ना तो फिर आप चुप नहीं करवा सकेंगी। चुप कर राशिद, मैं बात कर रही हूँ ना, खबरदार एक भी लफ्ज मुंह से निकाला था। ऐसे क्या देख रहे, मारेगा? इतनी हिम्मत है तेरे में? मैं यहाँ चुप खड़ा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी अम्मी की बेइज्जती करेंगे। देख रही है, इसके लिए तू जान दे रही थी? तमीज बेगैरत। हाजी साहब बस ज्यादती कर रहे हैं अब आप। राशिद चलो यहाँ से। हाँ ले जाए इसे। जा रहे हैं आज साहब। तमीज बेगैरत, बेशरम, एहसान फरामोश। हाजी साहब आप गुस्सा ना करें, आप यहाँ बैठे मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए।